हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से शादी की सालगिरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से शादी के सालगिरह का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पर 3 डॉट के निशान पर क्लिक करेंगे, नीचे ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी पोस्टर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने 15 अप्रैल डाला हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपनी शादी की तारीख यहाँ पे डाल सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी 15 अप्रैल लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी वेडिंग का डेट डाल देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा हुआ है। यहाँ भी आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है भैया और भाभी को शादी के सालगिरह की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे दोस्तों केक का फोटो PNG लगा रख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने शुभेच्छक में लकी डिस्पोजल परिवार लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपने परिवार का नाम लिख सकते हैं। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बने वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी डिस्पोजल परिवार लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने परिवार का नाम लिख के ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड में भी भैया भाभी का फ़ोटो PNG लगाया रखा है और यहाँ पे भी एक फ़ोटो PNG है। तो ये फ़ोटो PNG चेंज करके आप लोग अपने भैया भाभी का या फिर अपने दोस्त का या फिर अपना खुद का फ़ोटो PNG लगा के अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का फ़ोटो पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, आप लोग को 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और यहाँ पे इसे अनलॉक करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीच वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके टेक्सचर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से फ़ोटो PNG डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोग अपनी फ़ोटो PNG सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे गैलरी वाले आइकॉन पे, उसके बाद पिक्चर लैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ जहाँ भी हमने फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको एडजस्ट कर ले जितना चाहिए हमें, उसके बाद ओके कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोटो PNG चेंज कर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड में फ़ोटो PNG है उसे भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसे यहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से ये वाली फ़ोटो PNG वापस ले सकते हैं या फिर दूसरी फ़ोटो PNG तो उसे भी ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़े वाले बिंदु पे क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ पे यहाँ फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट साइड स्क्रॉल करेंगे,
यहाँ पे कैपेसिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कैपेसिटी कम कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कम कर दिया है, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू बैक पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अपनी सालगिरह का फोटो पोस्टर तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।